आप सबको अपने सम्मान में रखिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दावतों वाली चिकन करी सालन की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, जो झटपट बन जाती है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की है। तो चलिए बगैर देर लगाए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब जिस भी बर्तन में हमने बनाना है, इसमें हम जो है आधा कप जो है ऑयल का डालेंगे सब में पहले, और इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग गर्म होने देंगे। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले डालूंगी। ये मैंने ली है 5 अदद हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है और 3 लौंग है और 4 अदद काली मिर्चें मैंने ली है। इसको हम जो है ऑयल में डाल देंगे। आप देखिएगा इन गर्म मसालों के साथ बना के, इन मसालों के साथ इतनी बेहतरीन जो है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, इतनी बेहतरीन जो है खुशबूदार ये सालन बनता है। तो ये देखिए हमारी चिकन को फ्राई होते हुए समझिए 3 से 4 सेकंड हो गए हैं। अब हमें इस पॉइंट पे इसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी, और इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हमने अच्छे से फ्राई करना है, ताकि एक अच्छी से खुशबू हमारी चिकन से आने लगे और पूरी बेहतरीन से इसमें कलर भी आ जाए। तो ये देखिए लहसुन अदरक के साथ इसको भूनते हुए मुझे 2 से 3 सेकंड हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हमने करना ये है कि इसमें 2 टेबल स्पून तकरीबन मैं दही के डालूंगी। मैंने एक और दही लिया है, लेकिन बल्कि मैं इसमें 3 टेबल स्पून दही की शामिल कर रही हूँ। इस पॉइंट पे हमने इसको दही के साथ ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है, भूनना है इतनी देर तक कि दही का पानी जो ड्राई हो जाए और चिकन जो हमारे फ्राई करने के बाद अच्छा सा कलर आ जाए। पूरा दही हमने इस पॉइंट पे नहीं डालना है, बाकी जो है हम मसालों के साथ जो है मैं आपको बताती हूँ हमने दही को क्या करना है। ये देखिए मैंने 1 प्याली जो है फ्राई प्याज ली है, इसमें मैं ये दही शामिल कर दूंगी। दही भी मैंने 1 प्याली लिया है, इसमें सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चिकन के साथ डाला है। साथ ही इसमें हम 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्चें। नमक हम इसमें हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक का शामिल कर रही हूँ। अब हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने इतनी देर तक फ्राई किया है कि इसके इस तरह के गोल्डन से जो है कलर आना शुरू हो गया है। आपने इतनी ही देर इसको दही और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है। अब इस पॉइंट पे मैंने जितने भी मसाले डाले थे इनका पेस्ट बना लिया इनके साथ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये भी इसमें शामिल कर देंगे हम, और इसको इसके साथ थोड़ी सी देर तक हम मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने ये इसी में जिसमें मसाला पीसा था थोड़ा पानी शामिल कर दिया है, 4 से 5 टेबल स्पून ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और मजीद मैं इसमें 1/2 कप पानी शामिल करके इसमें शामिल कर दूंगी। हमने इसको थोड़ी सी देर इसके साथ भूनना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं, बेहतरीन किस्म की हमारे मसाले की भुनाई हो गई है, और यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि जो भी खाएगा पूछेगा किस रेसिपी से बनाया है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मैं इसको गलाने के लिए इसमें 1 कप जो है पानी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मजीद पानी शामिल कर सकते हैं, आपने जितना भी इसका शोर पर रखना हो, जितना आपने इसको गाढ़ा रखना हो पतला, उस हिसाब से 1 ही मरतबा आप इसमें पानी शामिल कर लें। तो ये देखिए बस अब इसमें बॉयल आने शुरू हो गए। मैंने इसमें 1/2 कप जो है मजीद पानी शामिल कर दिया था, क्योंकि चिकन को हमने गलाना भी है इसमें तकरीबन 10 मिनट। तो ये देखिए बस अब इसमें बबल से आने शुरू हो गए, बॉयल होने शुरू हो गए इसका सालन जो है। अब इस पॉइंट पे हम इसको कवर करके इसका चूल्हा जो है स्लो कर देंगे। अच्छा, हमने इसको जो है मैंने जितना फ्राई किया था ऑयल में, दही में और मसाले डालने के बाद स्टार्टिंग में सब हाई फ्लेम पे किया था। अब हम इसको गलाएंगे तो बॉयल आने के बाद स्लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए गलाएंगे। अब मैं कवर कर देती हूँ और जब ये गल जाती है तो आपसे मिलती हूँ। हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, 1/2 टीस्पून से भी कम ही डाला है। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है और बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू होती है। थोड़ा सा हम खुशबू के लिए और खूबसूरती के लिए इसमें हरा धनिया डालेंगे, क्योंकि उसके बगैर आपको पता है कि सालन बिल्कुल भी कम्प्लीट नहीं होता है। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके सर्विंग कर लेंगे। बहुत बेहतरीन ये दावतों वाला घर के मसाले का सालन बनता है चिकन का, आप लाजमी बनाइए। देखें कितनी अच्छी थिक सी जो है इसकी ग्रेवी बन रही है। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। ये देखिए बहुत, तो ये देखिए मज़ेदार किस्म का हमारा घर के मसाले का दावतों वाला सालन इंतहाई बेहतरीन और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट का बन के तैयार हुआ है। तो आप भी लाजमी बनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।